आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक संपन्न हुई थी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक आज के दिन ही 1952 में शुरुआत हुई। महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी ने जीवी मालवणकर जी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया था और स्पीकर नियुक्त होने के बाद 451 माननीय सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। भारत का लोकतंत्र हमारा बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। स्वाभाविक रूप से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन काल से बहुत मजबूत थी और आज भी भारत का संसदीय लोकतंत्र का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 68 वर्षों में भारत के संसदीय लोकतंत्र ने विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सम्मान किया। हमारी संसद हमारे संविधान के उच्च आदर्शों, सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक और धार्मिक बहुलवाद, सामाजिक न्याय तथा नागरिक अधिकारों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिलाने में अग्रिम भूमिका रही है। हम सभी समान रूप से गर्व कर सकते हैं कि पिछले लगभग 7 दशकों के दौरान हमने बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करते हुए हमने संविधान तथा शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुरक्षित और मजबूत किया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हमने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में संसदीय लोकतंत्र, संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरे विश्व के अंदर आज भारतीय लोकतंत्र और उसकी लोकतंत्र प्रक्रियाओं और मान्यताओं को सारी विश्व की संसद मान्यता देती है। आज का दिन हमारे संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सबका इस मौके पर दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को अधिक सुदृढ़ करें, मजबूत करें और हम जन जन की सेवा का संकल्प लें और जिस महान अवधारणा को हमारे पूर्वजों ने अहंकार किया था उसको उचित और उन्नत करने में योगदान दें। मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस समय COVID-19 की इस लड़ाई के अंदर जिस तरीके से संपूर्ण देश ने सामूहिक रूप से सामूहिकता के साथ इस लड़ाई को लड़ी है और लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से इस लड़ाई में हम सफलता प्राप्त करेंगे। यही हमारे लोकतंत्र का परंपरा रही है और यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो हम सब सामूहिक रूप से उस चुनौती का मुकाबला करते हैं। इस मौके पर मैं पुनः देश की जनता को लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए, लोकतंत्र के अंदर उनका विश्वास और बढ़े इसके लिए, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।